दोस्तों विटामिन डी की कमी आम बात हो गई है, किसी न किसी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, लेकिन क्या आपने सुना है कि विटामिन डी की अधिकता भी आपकी बॉडी में हो सकती है? जी हाँ, आज हम आपको इसी को लेकर वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल अगर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं तो ये लक्षण हो सकते हैं विटामिन डी की बढ़ने के। वो चीज़ें क्या हैं, वो लक्षण क्या हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि आमतौर पर इंसान को डाइट, सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, लेकिन जिन लोगों में विटामिन डी की अधिक कमी हो जाती है, डॉक्टर उनको विटामिन डी सप्लीमेंट की सलाह भी देते हैं। आपने अक्सर इस तरीके की काफ़ी सारी दवाइयों को देखा होगा या फिर हेल्थ एक्सपर्ट्स को तमाम सारे जो सप्लीमेंट हैं वो बताते हुए देखा होगा। डॉक्टर उनको विटामिन डी सप्लीमेंट देने की सलाह भी देते हैं और कई बार इन सप्लीमेंट या गोलियों के कारण शरीर में विटामिन डी की जो मात्रा है वो सामान्य से अधिक हो जाती है, जिसके कारण कई शारीरिक समस्याएं आपको हो सकती हैं। विटामिन डी की कमी के संकेत अगर महसूस होते हैं, उसी तरह विटामिन डी की अधिकता के संकेत भी आपको महसूस हो सकते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर किसी को शरीर में इस तरीके के लक्षण नज़र आते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, विटामिन डी की अधिकता हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको वॉमिटिंग जैसा होना, मतली होना, उल्टी होना, बहुत अधिक विटामिन डी लेने से मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी और मतली ऐसी समस्या आपको हो सकती है, लेकिन ये लक्षण किसी दूसरी बीमारी के भी हो सकते हैं। कम नींद लेना, गलत खान पान भी इसके कारण हो सकते हैं, और इसलिए कन्फर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। देखिए, इसका एक और लक्षण भूख ना लगना भी हो सकता है। दरअसल अगर आपको भूख कम लगती है तो विटामिन डी को आपको ज़रूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि भूख ना लगना शरीर में विटामिन डी की मात्रा का अधिक होने का संकेत भी है। कैल्शियम बनना, दरअसल आपके खून में विटामिन डी की अधिक मात्रा जब होती है तो कैल्शियम बनने लगता है, जिसके कारण उल्टी, कमजोरी और बार बार टॉयलेट आने की दिक्कत आपको हो सकती है। इसके साथ ही किडनी की समस्या भी आपको हो सकती है। विटामिन डी के कारण होने वाले जो परेशानियाँ हैं उनमें किडनी की भी डिजीज़ मानी गई है। दरअसल किडनी भी इससे डैमेज हो सकती है, इसलिए अगर आपको इस तरीके की दिक्कतें हैं तो आप इसको ज़रूर चेक कराएं। साथ ही हड्डियों की समस्या आपके साथ अगर बनी रहती है तो ये भी कारण है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।